तो हम आ गए हैं सैटे स्ट्रीट में और देखते हैं पास से क्या क्या अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसा है सैटे स्ट्रीट, अब चलेंगे अंदर और देखते हैं कौन कौन सा क्यूजिन यहाँ पे है और ट्राई भी करेंगे कुछ ऑथेंटिक सिंगापुर का खाना। ये है ये डिश, साथ में क्लियर सूप मिला है और ये है इसका बिल। और आप देख सकते हो मेरे सामने है सिंगापुर का आइकॉनिक स्टैचू। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम आ गए हैं सिंगापुर, जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले ब्लॉग में। तो हम रुके हैं अपने दोस्त के घर सुनीत, और ये है उसका कॉम्प्लेक्स इंपीरियल हाइट्स, और ये आ गया है हमारा गाड़ी बाहर सोसाइटी के बाहर। अभी हम जा रहे हैं फूड मार्केट, तो ये आ गया है अपना गाड़ी, चलते हैं अब फटाफट। तो मेरे साथ पीछे है सुनीत भाई, मिताली और विजेता। अभी हम जा रहे हैं लापुशा, यहाँ का आइकॉनिक फूड सेंटर है हॉकर्स मार्केट, चलेंगे और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो है एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तो ये जो अभी आप लेफ्ट में देख रहे हो ये है सिंगापुर स्टेडियम, और इस स्टेडियम के अंदर में होता है यहाँ का बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट। तो अभी हम स्पोर्ट्स इवेंट्स काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। ये है सिंगापुर स्टेडियम। यहाँ से आप देख सकते हो मरीना बे सैंड्स और यहाँ पे सिंगापुर फ्लायर। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। और ये नीचे है मरलाइन, चलेंगे पास और वहाँ से भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स सिंगापुर में। ये वाला जो आप बिल्डिंग देख रहे हो बाइट डांस, ये है टिकटॉक का ऑफिस सिंगापुर मरलाइन पार्क से 300 मीटर पे। तो हम आ गए हैं लापुशा में, ये है हॉकर्स मार्केट, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग है स्ट्रीट के ऊपर में। तो बहुत ही अलग वाइब है यहाँ पे, पूरा एक बिजनेस लग रहा है, हब है, क्योंकि हम आने के समय देखे DBS बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, काफ़ी सारे HSBC, बहुत सारे बैंक के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। और बहुत ही लाइवली से स्ट्रीट है, पीछे है हॉकर्स मार्केट। हमारे साथ है सुनीत भाई, तो अब जो है डायरेक्ट सुनीत भाई से सुनेंगे जगह के बारे में। हमारे साथ मिताली भी है और विजेता। तो सुनीत भाई हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मुंबई से, जो सिंगापुर में रह रहे हैं लास्ट 7-8 साल से, सुनीत और मिताली। तो हम आए हैं और इनके पास ही रुके हैं, अब सुनते हैं सुनीत भाई से इस जगह के बारे में। ये देख रहे हैं आप यहाँ का फेमस लापसाद। लापसाद एक हॉकर सेंटर है, यहाँ पे खाने की जगह है और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा खाना मिलता है। सिंगापुर का डिवर्स कल्चर में बहुत डिफरेंट टाइप के खाने हैं, जैसे मलेशियन खाना, चाइनीज़, इंडियन और अदर क्यूजींस लाइक मेडिटेरियन क्यूजीन हो गया, सी फूड हो गया, और भी बहुत कुछ खाने का है। ये बहुत पुराना हॉकर सेंटर है, काफ़ी दिन पहले ये रेनोवेट हो चुका है, अब देखते हैं अंदर कैसा लगता है। चलिए, तो आपने सुना सुनीत से हॉकर्स मार्केट के बारे में, अब चलेंगे अंदर और देखते हैं कौन कौन सा क्यूजीन यहाँ पे है और ट्राई भी करेंगे कुछ ऑथेंटिक सिंगापुर का खाना। तो यहाँ पे देखिए डम्पलिंग वगैरह मिल रहा है, फिश बॉल्स, सूप, वाओ बहुत ही अच्छा, स्मोक डक, और इस तरह का एम्बियंस है यहाँ पे। ये ग्रिल फिश का शॉप है, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, यहाँ पे ग्रिल फिश मिल रहा है काफ़ी सारा, गार्लिक फिश है, माला बॉइल्ड फिश, स्पाइस बॉइल्ड फिश, वाओ नाइस। ये काफ़ी बड़ा सा एक हॉकर मार्केट है, बटर एंड क्रीम। तो आप देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर, चाइनीज क्यूजिन, कुम्पाओ चिकन, स्वीट सॉर फिश, वाओ। तो आप देख सकते हो $6, $8। तो यहाँ का मैंने देखा और सुनील भाई से पता किया, तो नॉनवेज आइटम आपको आराम से $6 to $10 में बढ़िया मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, प्रॉन नूडल, चिकन टिक्का। तो नॉनवेज लवर्स जो है उनके लिए तो पैराडाइज है ये, काफ़ी सारा ऑप्शन नॉनवेज के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा वाइब है और बहुत सारे क्यूजिन है, तो जिस तरह का खाना आपको खाना पसंद है आपको यहाँ मिल जाएगा।
और जैसा कि मैंने बताया, प्राइस जो है सारे का ऑलमोस्ट $8-$6 तो इस तरह का यहाँ पे है। तो अब करते हैं कुछ फूड ऑर्डर और उसके बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। क्रिप्स किंग राइस और पेमेंट मैंने किया है आई लिंक ट्रस्ट कार्ड से, जो सुनीत भाई ने मेरे को दे दिया है। इस पर मैंने रिचार्ज कर लिया है, इसमें $2,000 है जो इंडियन करेंसी में कुछ 1,23,000 के आसपास है। तो कहीं भी अगर मैं कुछ शॉपिंग करूँ तो बस मुझे बस ये कार्ड बस जो है वो टैप करना है और पेमेंट हो जाएगा और मेरे को एक रिसिप्ट आ जाएगा, प्लस मेरे को बता देगा कि कितना बैलेंस बाकी है। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमने ऑर्डर किया पॉर्क रिब किंग राइस। ये है ये डिश, साथ में क्लियर सूप मिला है और ये है इसका बिल। तो इसका जो कॉस्ट हमें पड़ा वो पड़ा $6.80 और इसका जो पेमेंट हमने किया है वो किया है इजी लिंक कार्ड के थ्रू। ये है स्पिनच सी फूड सूप जो विजेता ने ऑर्डर किया है और मिताली और सुनीत है वेजिटेरियन, तो ये लोग खा रहे हैं पनीर और रोटी, पनीर टिक्का रोटी, दाल है और ये कौन सी सब्जी है भाई, कढ़ाई पनीर और ये रोटी। क्या क्या है ये, चिली चिली पादी, ओके, इसको खाने में मिक्स करके खाया जाता है, अच्छा फ्लेवर और अच्छा स्पाइसेस किक करते हैं। तो बिजवेता ने जो फूड ऑर्डर किया इसका प्राइस भी $6 के आसपास ही पड़ा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कोई सा भी नॉनवेज आइटम अगर आप खाते हो तो आपको $6-$8 में बढ़िया आपको खाने का ऑप्शन, बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हॉकर्स मार्केट में आपने देखा हमने बहुत बढ़िया खाना खाया। अब टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का, हम चलेंगे कहाँ भाई, मरलाइन पार्क। मरलाइन पार्क जाएंगे, पीछे सुनीत मिताली और विजेता और सामने आप देखिए बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग। तो हम आ गए हैं सैटे स्ट्रीट में और देखते हैं पास से क्या क्या अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसा है सैटे स्ट्रीट, इवनिंग के वक्त यहाँ पे गाड़ी इस रोड में अलाउ नहीं होता है, तो आप देखो यहाँ पे सारे बेंचेस लगे हुए हैं और शाम के वक्त ये पूरा भर जाएगा। और ये इसके ठीक अपोजिट में है ये हॉकर स्ट्रीट, ये सारे शॉप्स अभी ओपन हो जाएंगे कुछ देर बाद। तो आप देख सकते हो सैटे 8 सैटे 7 ऐसे करके वहाँ से पूरे शॉप से लाइन से। फुलटॉन बे होटल, दो फुलटॉन होटल हैं यहाँ पे, एक वो राइट साइड में आपके जो दिख रही है आइकॉनिक बिल्डिंग, ये बहुत पुराना होटल 1962 का बना हुआ है और इसी का एक नया वर्जन बना है ये फुलटॉन होटल और ये फुलटॉन बे होटल बिकॉज दिस फेसेस टूवर्ड्स अ लेक और द बे। अब आपको दिखाते हैं आगे बे का जो एरिया है, क्या क्या व्यू है, क्या क्या बिल्डिंग्स हैं, जो आइकॉनिक बिल्डिंग है एक और यहाँ की सिंगापुर की MBS मरीना बे सैंड्स, जो होटल्स हैं 3 टावर और उसके बगल में मॉल भी है इनका। और ऊपर जो शिप की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, इन्फिनिटी पूल है और एक डेक है जहाँ पे विजिटर्स लाइक अस यू कैन पे $15 आप जाके व्यू देख सकते हो सिंगापुर का, अमेजिंग नज़ारे। अब ये देखिए एक और बहुत आइकॉनिक चीज़ आपको दिखेगी, दिस इज़ एप्पल स्टोर जो रिसेंटली बनाया है, नया 6 महीने या 1 साल हुआ है ये वाला। ये क्रिस्टल बॉल की तरह जो दिख रहा है आपको ये है एप्पल स्टोर एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी LV का स्टोर, दिस इज ऑल्सो वेरी आइकॉनिक वेरी यूनिक। सो ये भी पीछे जो है वो सिंगापुर फ्लायर है, एग्जैक्टली सिंगापुर फ्लायर है वो, ठीक है। उसके अलावा आप जब देखोगे लेफ्ट में देर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स हियर, देर सम होटल्स पैन पैसिफिक, उसके बाद पार्क रॉयल,
मैंड्रिन ओरिएंटल, ठीक है, यहाँ पे है बिजोयता, यस नेपाली, और संदीप भाई, यस, और इफ यू सी हियर द मल्टीपल बिल्डिंग्स जो वेरी अगेन आई वुड नॉट से आइकॉनिक बट द ब्यूटीफुल, मोस्टली बैंक्स ने रेंटल किया हुआ है यहाँ पे, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ अमेरिका, एस सी बी, स्टैंडचार्ड, टी बी एस, एच एस बी सी, मे बैंक, बहुत बैंक है यहाँ पे, बैंक ऑफ चाइना एज वेल, जे पी मॉर्गन, हम खड़े हैं मरलाइन पार्क में और आप देख सकते हो मेरे सामने है सिंगापुर का आइकॉनिक स्टैचू। बहुत बार हमने देखा है इसको पिक्चर में, वीडियो में, बट आज पहली बार मौका लग रहा है पास से देखने का। और ये सबसे बड़ा मरलाइन है सिंगापुर में जो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं काफ़ी सारी जगह से। अगर मैं कैमरा टर्न करूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे मरलाइन देखने को पहुँचे हैं और हम भी आ गए यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी दिन से वेट था मुझे यहाँ पे आने का, फाइनली मैं यहाँ पे आ गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आपने देखा हमने आज बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर किया सिंगापुर में। हॉकर्स मार्केट से हमने स्टार्ट किया, फिर हम आए मर्लिन। तो आपने देखा बहुत ही सुंदर सा है ये शहर, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही साफ़ सुथरा। तो मेरा तो पहला जो इम्प्रेशन है सिंगापुर के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इम्प्रेसिव है, सुंदर सुंदर स्ट्रीट फूड, बहुत कुछ है इस शहर में देखने को। अभी हम है यहाँ पे और 7 दिन तो घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी सारे प्लेसेस सिंगापुर में। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आपसे मैं मिलता हूँ अपने अगले सफर में। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग।